नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार के अंदर लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसका जीता जागता सबूत जो है कुछ समय पहले हिसार की ऑटो मार्केट के अंदर देखने को मिला, जहां पर 33 नंबर दुकान जो है वेलकम नाम से ये दुकान है और इस दुकान के अंदर जो व्यापारी काम करते हैं उनसे 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। हालांकि खुलासा हो गया है कि फिरौती किसने मांगी है, आपको बता देती हूँ कि गनमैन भी इनको दिए गए हैं ताकि प्रोटेक्शन इनकी हो सके। लेकिन मामला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है और बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि आप भी जान करके हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार ये फिरौती मांगी तो मांगी किसने। तो आपको बता देती हूँ कि हिसार ऑटो मार्केट के अंदर ये एक सेल और परचेज का एक व्यक्ति काम किया करता था और उसी ने अपना नाम बदल करके यानी कि इंद्र नाम बता करके फिरौती मांगी है। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको यहीं पर लेकर के चलते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहां पर जो है रोहित हरेजा मौजूद है, जिनके भाई से जो है फिरौती मांगी गई थी। रोहित जी, मुझे ये बताइए कि किस तरीके से उस व्यक्ति को पकड़ा गया है और क्या कुछ पूरी कहानी है। वो व्यक्ति हमारे पास गाड़ियों में काम कराने के लिए आता था, वो कार का सेल परचेज का काम करता था। हाँ। तो हमारे पास पिछले 1.5-2 साल से आ रहा था, 2 साल से हमारे से काम करा के जाता था। बल्कि इन बिटवीन जब ये फिरौती वाला मामला चल रहा था तो भी वो हमारे पास 2 बार आया काम कराने के लिए। बल्कि एक दिन तो वो अभी 26 तारीख को आया तो बोला कि ना इसमें व्हील कवर लगा दो, एक डिज़ायर गाड़ी में व्हील कवर लगवाए उसने। तो हमने उसको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि भाई वो अच्छा आना जाना था, तो हमने कहा कि उसका फाइनेंस का भी काम है तो उसका सर्कल थोड़ा सा था, तो हमने कहा कि तू ये रिकॉर्डिंग सुन कि अब तक तेरे नोन में कोई बंदा हो। तो हमने उसको रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करी, वो कहता मैं बताता हूँ। तो इतना मतलब वो बंदा था हमारे पास, इन 2-3 बार होके भी गया ये सब कुछ होने के बाद। ठीक है, उनका नाम बता सकते हैं आप, नाम क्या है? संजय सोनी नाम है, मिर्जापुर के रहने वाले हैं वो। ठीक है, संजय नाम उनका, मिर्जापुर के रहने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए कितनी चौंका देने वाली बात है, इनकी दुकान पे ही फिरौती मांगते हैं, इन्हीं की दुकान के ऊपर आते हैं, ये उनको ही दिखाते हैं, संजय नाम के बंदे को ही दिखाते हैं कि ये रिकॉर्डिंग सुनो भाई, ये किस चीज़ के, ये किस व्यक्ति की है, क्योंकि तेरा सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इनको क्या मालूम था जिनको ये रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं असल में वही आरोपी है, उसी ने ही फिरौती मांगी है। मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता लगा कि फिरौती जो है उन्होंने ही मांगी है, इंद्र नाम उन्होंने ही बदल करके जो है आप लोगों से फिरौती मांगी? हमें पता नहीं लगा था, वो तो बाई चांस की बात है कि वो हमारे पास रेगुलर काम कराने आते थे, वो फाइनेंस का काम करते हैं। फाइनेंस का मतलब ये है कि वो छोटे मोटे बंदों को इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं। हाँ। तो वो उस वजह से हमें यूँ आइडिया था, क्योंकि ये आसपास की लोकेशन थी तो हमें लगा कई बार बंदे का मिलना जुलना होता ही है, जो फाइनेंस का काम करता है तो उसको पता ही होता है कि आसपास क्या माहौल है, कौन बंदा आता है। तो हमें आइडिया था कि भाई इनसे पूछते हैं, क्या पता ये बंदे हों। बल्कि हमें तो हमारे पास वो 26 तारीख से पहले 2 दिन पहले एक गाड़ी लेके आया, तो मैं अपने भाई के साथ वैसे ही डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा यार शक तो बंदे का जाता है, तो मैं बोला यार ये बंदा नहीं हो सकता, ये अपने से नहीं मांग सकता, कोई और ही पाएगा, ये तो शरीफ सा बंदा है, ये अपने से नहीं मांग सकता। लेकिन जब 26 तारीख को रिकॉर्डिंग सुनाई तब भी हमें यूँ लगा कि ये नहीं हो सकता, ये हमें बता देगा भी अगर इसने को मिला होगा किसी से ये। तो फिर अब जब नाम आया सोमवार को तो पता लगा इसी ने ही प्लान किया था, और एक प्रदीप नाम का बंदा था जिसने जोगिंदर बन के बात करी थी, और इसी ने हमारे से 13 तारीख को इंद्र बन के बात करी थी। तब भी हमें आवाज, क्योंकि कभी हमारी इससे फोन पे बात नहीं होती, हमारे पास इसका फोन नंबर भी नहीं था, आया कस्टमर के तौर पे, उससे पैसे लिए, सामान दिया और चलो जी ठीक है। तो इतना ही उसका नंबर लिया, बल्कि नंबर भी हमने उसी दिन उससे उसको कॉल फॉरवर्डिंग वो रिकॉर्डिंग भेजी तो उसका नंबर लिया हमने। तो फिर आपने कहा कि आपका अच्छा आना जाना था उनके साथ, तो आना जाना कब शुरू हुआ उनका, कितने महीने हो गए या फिर साल हो गया, कितने दिन? दो साल हो गए होंगे वो एज ए कस्टमर हमारे पास आता था, हमारी कोई फालतू बात भी नहीं होती थी, चीज दी पैसे लिए ठीक है बस। क्या गल्ला उनके सामने कभी खोला था? अब यूं तो नहीं याद आता, अब किससे पैसे लेंगे तो गल्ले में पैसे तो डालेंगे ही। अच्छा, गल्ले के अंदर लगभग ज्यादा कैश अमाउंट रखते हैं, कम रखते हैं? तो कैश अमाउंट वाला काम ही नहीं है, ऑलमोस्ट फोन पे गूगल पे पक्के की पेमेंटें होती हैं, तो वो आजकल तो बिल वाला ही काम हो गया, ऑलमोस्ट कैश वाला काम ही नहीं रहा। अच्छा, तो क्या कोई फैमिली तक भी आना जाना था? नहीं, हम नहीं जानते, बस हम एज ए उसे कस्टमर जानते थे, उससे ऊपर हम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। बट ये नहीं पता लगा उसे हमारा घर का एड्रेस कैसे पता लगा, उसने कोई कहाँ से पता करा सारी चीज, इतना तो हमें पता नहीं लगा। बाकी पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पूरा सहयोग किया,
12-13 दिन पुलिस ने पूरा सहयोग दिया और अब उन्हें पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अभी जो है एक ही व्यक्ति पकड़ के अंदर आया है, अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया, अब दूसरे को ही पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। इसका प्रदीप नाम आप बता रहे हैं, क्या उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है, आपको बता देती हूँ कि बंटी गोयल प्रधान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। बंटी जी, मुझे ये बताइए कि क्या कभी सोचा था कि इनकी ही दुकान के अंदर आने वाला व्यक्ति इन्हीं से नाम बदल करके फिरौती मांग लेगा? सबसे पहले तो मीडिया का और आपका सिटी बिग न्यूज का बहुत धन्यवाद जी। जिस इस मुद्दे को आपने इतना उछाड़ा तो सरकार की और प्रशासन की नींद खुली जी। उसके बाद प्रशासन का भी सहयोग रहा जिसके कारण एक व्यक्ति ये पकड़ा गया। हाँ। और दूसरा भी जल्दी पकड़ा जाएगा। उसके बाद हमारे मिस्त्री भाई, स्पेयर पार्ट के भाई और रेडी वालों तक जिन्होंने मार्केट को बंद रखकर एकता का परिचय दिया। हाँ। जिसकी वजह से सरकार को ये लगा कि भाई अब ये काम जल्दी करना पड़ेगा। बिल्कुल। उनका भी पहले बहुत धन्यवाद। हाँ। अब ऐसा है जी, कभी ज़िंदगी में ये बात का एहसास होता ही नहीं भी जो आदमी हमारे पास आएगा वो ही हमारे साथ धोखा करेगा। हाँ। अगर धोखा करेगा तो हम धोखा करने वाले से तो लड़ रहेंगे। हाँ। तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं और ना कभी आगे सोचेंगे। हाँ। अब थोड़ा अलर्ट रहेंगे भी, जो आने वाला व्यक्ति है उस पे धक्के से ही, अब तो जो पुराना आएगा उस पे नजर रहेगी ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल। अब तो वो वैसे ही धक्के में नजर रखने वाली बात होगी, कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। यानी कि अब जो है आंखों को ही सीसीटीवी कैमरा बनाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, और पूरा चौकन्ना होके काम करेंगे और प्रशासन से पुलिस से ये भी दूसरा और पकड़ लिया जाए ताकि जो हमें 50% अभी रिलीफ है वो हम आराम से 50% और भी ठीक हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि अभी तक दो व्यक्ति के ऊपर आपका शक है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक प्रदीप नाम का व्यक्ति उर्फ प्रदीप जिसने अपना नाम प्रदीप बताया था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो क्या लगता है ये पूरी प्लानिंग जो है, पूरा माजरा जो है सिर्फ दो लोगों की बदौलत है या फिर पूरा गिरोह इनको सक्रिय है? नहीं, कुछ ना कुछ तो गिरोह सक्रिय होगा ना जी। हाँ। इतना बड़ा फिरौती मांगना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो ये तो वो जब प्रदीप पकड़ा जाएगा और अभी पुलिस इससे इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उम्मीद है कि भी गिरोह भी पकड़ा जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि भी छोटी फिरौती नहीं थी, कोई आदमी लाख दो लाख रुपए नहीं मांगे, जो है बड़ी फिरौती मांगी तो कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई गिरोह से जरूर संबंध होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गिरोह। बिल्कुल, ये बताइए क्या ऑटो मार्केट के अंदर ये पहला ऐसा मामला है जहाँ पर फिरौती मांगी गई है? हाँ। या फिर पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं जिनको आप लोगों ने हल्के में निपटा दिया? नहीं नहीं, ऐसा कभी हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं। हाँ। कोई मतलब भाई किस फिरौती का मामला हमारी ऑटो मार्केट के अंदर पहली बार है और परमात्मा के आशीर्वाद से ये भी लगभग सॉल्व हो गया प्रशासन की और आप मीडिया की वजह से, और आगे ऐसा मामला उम्मीद करते हैं भी नहीं होगा। ठीक है, आपको दिखा देती हूँ एक बार पीछे की तरफ जो है गनमैन इनको अभी तक प्रोवाइड किए गए हैं। हालांकि ये पूछने की कोशिश करते हैं कि गनमैन जो है अब कितने दिनों तक यहाँ पर सक्रिय रहेंगे? ऐसा है जी, कोशिश तो यही है भी जब तक नहीं पकड़ा जाए जब तक गनमैन रहेंगे। जब तक वो दूसरा व्यक्ति नहीं पकड़ा जाए उम्मीद है कि वो एक दो दिन में पकड़ा जाएगा। ठीक है, दो गनमैन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक ने तो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, एक बार दिखाना चाहूंगी कैमरे में, एक ने तो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है और दूसरे जो है सिविल ड्रेस के अंदर है, तो ये दो गनमैन किस वजह से हैं? एक ये हमारे पर्सनल है और एक पुलिस ने प्रोवाइड किया हुआ है। पर्सनल क्या आप हमेशा रखते हैं या फिर जब से फिरौती मांगी गई उसके बाद से हायर कर लिया है? नहीं, पर्सनल गनमैन हमेशा के लिए नहीं रखते, ये पर्सनल तो ये 10-12 दिन के मतलब जो ये चल रहा है इन बिटवीन एक रखा है ताकि थोड़ी सी सिक्योरिटी हो जाए। हाँ। तो वो चीज़ है और पर्सनल गनमैन का कोई नहीं रखता। ठीक है ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी बंटी जी, आज दोपहर को जो है 12 बजे मीटिंग की गई थी, बजरंग दास गर्ग भी यहाँ पर पहुंचे थे, मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकल करके आया और भारत बंद करने का फैसला जो 7 दिसंबर को लिया गया था, हिसार को बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन ये भी कहा था अगर हिसार बंद करने से बात नहीं बनी तो हरियाणा भी बंद कर देंगे, तो ये बताइए क्या वो फैसला अभी भी जारी है या फिर रोक लगा दी गई है? उस फैसले से वो मीटिंग जो करनी थी वो 12 बजे यही मीटिंग हुई थी सभी भाइयों से। हाँ। सभी उसमें मिस्त्री भाई थे, सभी स्पेयर पार्ट के व्यापारी थे, सभी ये ही बात को मीटिंग करी थी भी आगे हमें क्या करना है, तो सबकी ये बात निकल के आई भी प्रशासन ने काम ठीक किया है अभी, तो ये एक बार के लिए 7 तारीख तक इस जो हमारा इस हारबंद का फैसला था उसको रोक लगा दी गई है, अभी बंद नहीं करेंगे सर। यानी कि अभी बंद करने की कोई भी प्लानिंग नहीं है। क्या लगता है पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है कि दूसरा आरोपी कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा?
पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दूसरा व्यक्ति जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब कहां तक भागेगा वो, अब नहीं भाग सकता ज्यादा। मंडी जी, क्या अब पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर कहीं ना कहीं शक है या फिर जो है भरोसा है? नहीं नहीं, शक तो ऐसा है, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा और अलर्ट रहेंगे और प्रणाली उनकी जो है, हमारे ये जो एकता थी हमारी, उससे जागी है ज्यादा। पहले इतनी वो नहीं थी, नहीं तो हमें बंद कर क्यों कॉल करनी पड़ती। अगर पुलिस पहले ही जाग जाती तो। पर ये है कि अब हमें को ये लगता है कि भी दूसरा व्यक्ति भी जल्द से जल्दी पकड़ा जाएगा। ठीक है, आप लोगों को भी बता देती हूँ, अलर्ट हो जाइए, सक्रिय हो जाइए। आपके घर के अंदर किसी का आना जाना है तो उस पर पूर्ण रूप से भरोसा ना कीजिए। और अगर आपकी दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर आता है तो अपने घर की बात है, उस कस्टमर के आगे कभी भी बयां मत कीजिए। अपना गल्ला जो है कभी भी किसी भी कस्टमर के सामने ना खोले, ना ही अपने ट्रांजेक्शन का लेन देन जो है उसके सामने बताए, ना ही उसके सामने उसके बारे में बातचीत करे। क्योंकि इस दुकान की बात की जाए, 33 नंबर दुकान वेलकम से दुकान है और ये दुकान जो है जीता जागता उदाहरण पूरे हिसार के सामने पेश कर रही है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कहीं पर आना जाना है तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन, सबसे बड़ा आरोपी वही हो सकता है। क्योंकि जो आपको जानता होगा, फिरौती सिर्फ वही मांगेगा, आरोपी वही होगा। क्योंकि अगर बात की जाए, भारत के अंदर 90% जुर्म को अंजाम जो है आपके घर के रिश्तेदार या फिर आपसे तालमेल रखने वाले या फिर आपसे आपसी जो है दोस्ती के अंदर ऐसे लोग ही आपसे जो है आपसी रंजिश रखते हैं, जिसकी वजह से फिरौती जैसी चीजें या फिर क्राइम जैसी चीजों को अंजाम दिया जाता है। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। हिसार के अंदर पहला ऐसा मामला था ऑटो मार्केट में, जहां पर एक सेल परचेज के बंदे ने ही 25 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। हालांकि एक व्यक्ति को अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे व्यक्ति की तफ्तीश जो है पुलिस अभी तक कर रही है, जिसने अपना नाम प्रदीप बताया था फोन के ऊपर। हालांकि 7 तारीख का जो आह्वान दिया गया था हिसार बंद करने का, उसके ऊपर अभी कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पे जोर डालते हुए एक बार सिटी बिग न्यूज भी कहना चाहेगा कि आप लोग जो है अपनी कार्यप्रणाली को तेज कीजिए और जल्द से जल्द जो है उस आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। खैर, ये तो यहीं तक की वीडियो थी। आपको क्या लगता है कि ये आरोपी किस वजह से इस तरीके के क्राइम्स को अंजाम देते हैं, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार के ऑटो मार्केट से। नमस्कार।